नमस्कार, अखाड़ा में आपका स्वागत है। लेकिन सीधा चलते हैं लुधियाना पर, जहां सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां लुधियाना के कोर्ट के परिसर में बताया जा रहा है कि वॉशरूम के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। दोपहर के करीब ये धमाका हुआ है, और जब वहां चश्मदीद इस वीडियो में जो न्यूज़ 18 ने यहाँ एक्सेस किया है, इसमें चश्मदीद की आवाज़ से ये लग रहा है कि क्या विस्फोट हुआ है, इसका कारण क्या है, ये अभी तक ठीक से पता नहीं लगा है। लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब के हवाले से यह खबर है कि दो लोगों की मृत्यु हुई है, तीसरे मंजिल पर धमाका हुआ है। ये सिलेंडर ब्लास्ट है या बम ब्लास्ट है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन लुधियाना के कोर्ट के परिसर में इस तरह से ब्लास्ट का घटना चिंताजनक विषय है, खासकर जिस तरह का माहौल हाल फिलहाल में लॉ एंड ऑर्डर के तहत के नज़रिए से पंजाब में बना हुआ है। चमन परलानिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चमन, बताइए, बहुत बड़ी भीड़ है लुधियाना कोर्ट के सामने, उस परिसर के सामने, क्या कोई अपडेट आया है चश्मदीद से या ग्राउंड से या पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया है कि ब्लास्ट की वजह क्या है और कहाँ हुआ है ये ब्लास्ट? जी देखिए, पंजाब का जो कोर्ट है उसके तीसरी मंजिल पर ये धमाका हुआ है, क्योंकि पंजाब का ये जो कोर्ट है, ये इसमें काफी भीड़ रहती है आमतौर पर, क्योंकि दोपहर का समय था और काफी जो लोग होते हैं वो इस समय जो यहाँ पर अपनी पेशी को लेकर और कुछ अन्य कामों को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं, तो क्योंकि सुबह का टाइम यहाँ पर जो है धुंध का भी रहता है, इसलिए दोपहर के टाइम पे ही ज्यादातर लोग जो है कोर्ट के परिसर में थे, और उसी धमाके को लेकर जो है वो कोर्ट परिसर के बाहर जो है लोगों का जो है भगदड़ मच गई, और उसके बाद सारे लोग कोर्ट के जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे थे या सेकंड फ्लोर पे थे, क्योंकि सारे लोगों को धमाका इतना जबरदस्त था, क्योंकि वहां से काफी देर जो अभी भी देखिए आप तस्वीरों में भी जो धुआं वहां से निकल रहा होगा, और उसके बाद जो पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस अभी इस मामले की सारी जानकारी जुटा रही है कि ये किस तरह का धमाका हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में पिछले दिनों से ही पंजाब में जो आईजी ने भी अलर्ट किया था, और पंजाब के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर जो ड्रोन की एक्टिविटीज हैं, टिफिन बॉम्ब मिलना, और पंजाब में कुछ दिनों से इस तरह के स्लीपर सेल जो थे वो एक्टिव थे, और कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरह से कोर्ट परिसर के तीसरी मंजिल पे ये धमाका होना, और अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें जो दो लोगों की भी मौत हो चुकी है और काफी लोग जो है घायल है, और उनको लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज चल रहा है। जी, ये तीसरे मंजिल पे क्या कोर्ट रूम था, क्या कैंटीन था, कहाँ पे हुआ है ये धमाका तीसरे मंजिल पर, और क्या वहाँ पर कुछ कार्रवाई कुछ चल रहा था, कितने लोग उस वक्त अमूमन मौजूद हो सकते हैं अंदाजन? अभी देखिए, अभी तक जो तीसरी जो फ्लोर थी यहाँ पर जो है कोर्ट परिसर ही बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो है कोर्ट के काम के लिए ही लोग पहुंचे थे, और जो अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि कहाँ जैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद अफरा तफरी का वहाँ माहौल बन गया था, तो अभी पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, वहां से जो है काफी लोगों को बाहर निकाला गया कोर्ट परिसर से, और पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। जी, तो यहाँ पर जो तीसरी मंजिल है लुधियाना कोर्ट, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं इस परिसर में, क्योंकि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन होगा, कोर्ट का परिसर होगा, कोई तीसरी मंजिल तक अगर ब्लास्ट करवाया है तो वहाँ पर कैसे लेके जा सकता है, कैसे पहुँच सकता है तीसरी मंजिल तक, ये सारे सवाल भी उठते हैं। ये जो दो लोग हैं जिनकी खबर आ रही है कि उनकी मृत्यु हुई है, ये क्या लॉयर्स हैं, क्या है इनकी कोई आइडेंटिटी सामने आई है? जी देखिए, अभी तक इनकी कोई जो है आइडेंटिटी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक फिलहाल आनन फानन में ही पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में इस तरह का धमाका होता है तो वहां पर अफरा तफरी का जो है माहौल बन चुका था, और जो वहां पर घायल थे उनको निकाला जा रहा है, तो जैसे ही अभी पुलिस की तरफ से बताया जाएगा कि कौन ये लोग थे जिनकी मृत्यु हुई है और कौन कौन घायल हुए हैं, क्योंकि कोर्ट का जो ये तीसरी मंजिल है, क्योंकि कोर्ट में अमूमन जो होता है कि सिक्योरिटी का रीजन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कोर्ट में बिना सिक्योरिटी के किसी को भी बिना जांच के जो है ऊपर नहीं जाना दिया जाता, क्योंकि कोर्ट की ये तीसरी मंजिल है, तो जो निचली ग्राउंड फ्लोर पे भी जो सिक्योरिटी होती है और सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि जगह जगह जो है वहां पर जो है जज रूम, जो जज कोर्ट के बैठे होते हैं उन्हीं के रूम भी होते हैं, और जो वहां पर जो काफी जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पुख्ता होते हैं, पर यही अब देखने वाली बात होगी कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कोर्ट के तीसरी मंजिल में ये धमाका हो जाता है। जी, अभी सीएनएन न्यूज 18 के इन्वेस्टिगेशन एडिटर मनोज गुप्ता के हवाले से भी खबर आ रही है, और बताया जा रहा है कि ब्लास्ट का एरिया जो है वो कहीं वॉशरूम के आसपास था चमन, क्योंकि उसके शीशे के पेन्स डैमेज हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये धमाका काफ़ी तेज था। लोगों का भी वहाँ पर यही कहना है कि बहुत ज़ोर से धमाका हुआ, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है। क्या इसमें शंका जताई जा रही है कि क्या ये एक आईडी ब्लास्ट हो सकता है?
करीब 12:25 पे ये ब्लास्ट हुआ है। अभी देखिए, ये देखिए 12:20 या 12:25 के आसपास का ही ये घटना है, क्योंकि उसके बाद जो है कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है और काफी बड़ा धमाका था। उसके बाद जो कोर्ट परिसर के जो तीसरे मंजिल वहां से धुआं निकलने लगता है और जो लोग थे वो काफी जो थे वो हुए थे, और इसी वजह से जो लोग वहां पर जो उनका यही साफ तौर से कहना है कि ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां पर जो शीशे ब्लास्ट कोई कोई बंदा अनहोनी करके गया। तो वहां चश्मदीद कह रहे हैं कि कोई बंदा अनहोनी करके गया है, बम ब्लास्ट करा के गया है, ये कहा जा रहा है। अभी फिलहाल जो इनपुट्स आए हैं, और मैं सीएनएन न्यूज़ 18 के इन्वेस्टिगेशन एडिटर मनोज गुप्ता के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं कि 12:25 के करीब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ लुधियाना कोर्ट में। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 से ज़्यादा घायल हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब का कहना है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और कई और ज़्यादा घायल हैं। लेकिन जैसा अभी चश्मदीद की आपने आवाज़ सुनी, जिसने कहा कि कोई बाहर से आया है अनहोनी करके गया है, ये ब्लास्ट है, बम ब्लास्ट है, तो सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि किसी पावरफुल एक्सप्लोजिव विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है और ये आईडी ब्लास्ट कराया गया है। तो अगर चमन इसको हाल फिलहाल की डेवलपमेंट से देखा जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल कर आरडीएक्स को ड्रॉप किया जाना, हेरोइन ड्रग्स और उसके साथ साथ असला एम्युनिशन को भी ड्रॉप किया जाना, और फिर अमृतसर के आसपास एक टिफिन बॉम्ब का पाया जाना, ये कई सारी चीज़ें जो है इनको अब जोड़कर देखना होगा लुधियाना में जो घटना घटी है। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं जहां जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, कई लोग वहां मौजूद हैं। क्या वहां ग्राउंड से रिएक्शन आता है, सुनते हैं आइए क्या कह रहे हैं। मैं जो कपड़े उतारे तो उसे डेड बॉडी पई आ, हुण ए नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल, बाथरूम दे विच बाथरूम किन्ने मिंट पहले गल है, ए अद्धे पौने घंटे दी गल है, और सारीयां अदालतां ए ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया बम ब्लास्ट। तो कम से कम एक व्यक्ति के मृत्यु होने की पुष्टि अभी वहां चश्मदीद भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरी मंजिल पर हुआ है, दूसरी मंजिल में वॉशरूम में हुआ है, ये साफ वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई बाहर से आया हुआ बंदा अनहोनी करके गया है लुधियाना में, और उन्होंने कहा कपड़े हटाएं और फिर कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कौन है ये व्यक्ति उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं। लेकिन वहां पे जो चश्मदीद जिनके अभी आपने साउंड बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि देखिए ये दूसरी मंजिल में वॉशरूम के अंदर ये कोई रख के गया है और वहाँ ये धमाका हुआ है, और वहाँ जो मौजूद थे वॉशरूम में उनमें से ही कोई है जिनकी मृत्यु हुई है। और एम्बुलेंस की तस्वीरें हमने देखी, तो क्या वहाँ से शव लेके जाए जा रहे थे या फिर कुछ चोटिल हैं जो घायल हैं उनको भी ले जाया जा रहा था, वो भी देखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये वही मंजिल है, दूसरी मंजिल दिख रही है जहाँ पर धमाका हुआ है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड लेवल पर, और धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, काफी जोर से आवाज भी आई थी। चमन, न्यूज 18 पंजाब के हवाले से एक और चश्मदीद के का रिएक्शन अभी फिर से आपको थोड़ी देर में प्ले करके सुनाएंगे। चमन, कोई अपडेट है आपके पास? अभी फिलहाल अपडेट तो ये आ रहा है कि ये कोई सिलेंडर धमाका नहीं, बम धमाका है। जी देखिए, जहाँ पर जो जो जो, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये बताया है कि इसमें जो है कोई आदमी बाहर से आया और वही धमाका करके गया है, और कहीं कहीं आशंका जो है बताई जा रही है आईडी ब्लास्ट की बताई जा रही है, क्योंकि बाथरूम के पास जो है ये धमाका हुआ है और बाथरूम के पास ये रखा हुआ था, और जो एक बंदे की जो मृत्यु है वो भी वहाँ पर जो है जो पुष्टि कर दी है वहाँ के जो चश्मदीद है। और अब कहीं ना कहीं जो है इस सारे मामले की जो है जाँच है वो अब जो है वो पुलिस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में आने वाले दिनों में जो पिछले दिनों में भी घटनाएं जो सामने आई थी, टिफिन बम की जो पंजाब में कई जगह पर मिले गए थे, जैसे बॉर्डर के इलाकों में अमृतसर हो या फिर उसके आसपास के इलाके तरन तारण हो, तो वहां पर जिस तरह से ड्रोन से जो हथियार जो है हथियारों की सप्लाई भी जो है बॉर्डर पार से आ रही थी, और तभी से लेकर जो है आईबी की तरफ से भी पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा गया था कि पंजाब में जो है कोई ना कोई जो बड़ी साजिश जो है वो रची जा सकती है, तो उसी को लेकर पंजाब सरकार पंजाब पुलिस पंजाब सरकार ने
यहाँ पुलिस को ये जांच सौंपी थी और पंजाब पुलिस लगातार ही इन सब ये अब ताजा तस्वीरें आ रही है चमन, जहाँ पर घायलों की भी तस्वीर है, उसमें से घायल एक तो महिला दिख रही है और ये बिल्डिंग के ऊपर दूसरी मंजिल पर जहाँ धमाका हुआ वहां से तस्वीरें हैं और जिस तरह का डैमेज हुआ है काफी जोर का धमाका है, क्योंकि पूरी एक दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है, तहस नहस हो चुकी है और जो मेन साइड है फ्रंट जहां पोर्च की तरफ या फ्रंट फेसिंग जो वो दीवार भी टूट चुकी है और वो भी फेंक के कम 5-10 फीट दूर, इतनी जोर से यहां धमाका हुआ है। इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके का जोर या उस एक्सप्लोजिव में कितना पावरफुल एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अब वहां फिलहाल तो पुलिस कर्मी मौजूद हैं जो दिख रहे हैं। और कुछ और तस्वीरें आई थी न्यूज 18 पंजाब के हवाले से जहां पर घायल भी दिखे, एक महिला घायल होती हुई दिखी है। और ये लुधियाना में बम धमाका हुआ है कोर्ट के परिसर में। जी चमन, ये कोर्ट का चुना जाना, इस जगह का चुना जाना, इसमें भी क्या मंशा हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपने जैसे कहा कि दोपहर का टाइम है, गुरुवार है, तो कोर्ट में भी काफी भीड़ होगी। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो जो जिस तरह इस तरह की जो घटनाएं होती है वो वहीं पे भीड़ भाड़ इलाकों में जो है आतंकी विधियों को देने की होती है, क्योंकि ज्यादातर जो आतंकी होते हैं वो उसी तरह की जो घटना को चुनते हैं, क्योंकि जहां पर जो है लोगों का काफी तांता लगा हो, तो इसी वजह से इन्होंने लुधियाना के इस कोर्ट परिषद को चुना होगा, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर जो है काफी लोग जो है वो जो है कोर्ट में आते हैं और वहाँ पर कोर्ट में अपनी जो जो सी होती है या और भी कोई कार्य होते हैं उनको जो है पूरा करने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं। तो क्योंकि दोपहर का जो इन्होंने समय 12-20 या 25 मिनट का ये समय था और उसी समय जो है काफी उस समय जो है कोर्ट में जो है काफी भीड़ होती है और वही इन्होंने जो है उसी टाइम का जो है फायदा उठाया और उसी मौके पर जो है इतना बड़ा जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर जो है धमाका हो गया। और अभी जो पुलिस है वो वहां पर जो है पूरे पहलू से जो है जांच कर रही है कि किस तरह का जो ये घटना थी और कितने लोग इसमें शामिल हैं, और क्योंकि अभी तक जो चश्मदीद है वो बता रहे थे कि जो है एक जो महिला है उसकी जो है जख्मी वहां पर पाई गई है और कुछ जो एक डेड बॉडी भी वहां पर सामने पड़ी हुई है। तो अभी पुलिस जो है घायलों को जो अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि और कितने लोग जो हैं यहाँ पर आसपास जो है इस घटना में जो है घायल हुए हैं और किन किन लोगों की जो है मृत्यु हुई है वो अभी पुलिस जो है जांच कर रही है और थोड़ी ही देर में पुलिस जो है इसकी पुष्टि कर देगी कि इस घटना की कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। अभी जो फिलहाल जो वहां पर आसपास का माहौल है वो पूरा तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही बम ब्लास्ट की घटना वहां पर होती है तो वहां के आसपास जो लोगों में जो है अफरा तफरी का माहौल है और जो आसपास क्योंकि कॉम्प्लेक्स का इलाका जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इलाका है काफी जो है यहाँ उमन भी यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लुधियाना में जो है आमतौर पर काफी भीड़ रहती है, क्योंकि वहां पर बिजनेस के अगर कपड़े की भी हम बात करें तो कपड़ा व्यापार को लेकर भी लुधियाना जो है काफी फेमस है। तो पर चमन, इस ब्लास्ट को अगर देखें तो बहुत ही पावरफुल आईडी लग रहा है या एक्सप्लोजिव लग रहा है, विस्फोटक लग रहा है, क्योंकि जिस वो दीवार के तो चीथड़े उड़ गए हैं, फेंका गई है पूरी दीवार। ये अस्पताल से भी अब तस्वीरें आ रही हैं जहां पर घायलों को ले जाया गया है, पुलिस बंदोबस्त भी है और नहीं, ये कोर्ट के परिसर में ही है, कोर्ट के परिसर में अभी भी भीड़ है, पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। जरा वहां पर जो अगर इसमें ऑडियो आ रहा है तो उसको भी सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हो रही हैं, कोई चश्मदीद वहां मौजूद हैं जिनसे बातचीत हो रही है, उस एरिया को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो एक पूरा सेक्शन दिख रहा है यहाँ चमन, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल जहां पर भी है इस वॉशरूम के आसपास, जहां पर वो पूरी दीवार ही टूट चुकी है। हाँ जी देखिए, क्योंकि जो कोर्ट परिसर की दीवार थी ये कोई ईंटों वाली दीवार नहीं होती, क्योंकि कोर्ट में जो है कोयटा जो आरसीसी दीवार होती है और आरसीसी समझिए कि सीमेंट की एक मजबूत दीवार बनाई गई थी जो कोर्ट परिसर की थी। और अगर जिस तरह से जो आरसीसी दीवार पे अगर हम मान लें कि कोई छोटा मोटा धमाका हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये कोई बड़ा ही धमाका जो आरडीएक्स के तहत ही किया गया होगा, क्योंकि इस तरह की दीवारों पे आप अंदाजा लगाओ कि पूरी दीवार जो है जर्जर वो बुरी हालत में हो चुकी है, तो एक बड़ा ही आरडीएक्स के से ही इस तरह के धमाके से जो है इतना बड़ा नुकसान जो है जो एक दीवार को पहुंच सकता है।
तो अब जो पुलिस जो है वो आसपास के जो जो कोर्ट पर्सन के लोग हैं उनको जो है वहां से जो हटाने की कोशिश कर रही है, ताकि इस तरह की जो वहां पर घटना कुछ और कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए, ताकि लोगों में अफरा तफरी और ना मच जाए। इसी वजह से पुलिस वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर ही पहले आप लगाइए कि 12:20 या 12:25 की ये घटना है, तो कुछ ही देर अभी हुई है इस घटना को ही हुए, तो वहां पर लोग जो है पूरे डरे हुए महसूस कर रहे हैं और लोगों में जो है अफरा तफरी का अभी भी माहौल वहां पर बना हुआ है। कई सारे पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, कुछ कोर्ट के भी का वकील भी दिख रहे हैं काले कोट में, कुछ वहां पर कोर्ट में काम करने वाले कुछ हैं वो भी दिख रहे हैं, और इन सब को वहां पर उस जगह से हटाने की कोशिश की जा रही है। और स्क्रीन के दाईं तरफ जो तस्वीरें हैं उसी से आप धमाके का अंदाज़ा लगाएं कि कितना पावरफुल है, कि वो पूरी दीवार का एक पूरा सेक्शन जो है कम से कम 5 से 8 फीट जो है वो फेंका गया है इस धमाके की वजह से। तो काफ़ी पावरफुल एक्सप्लोजिव ही होगा, और अगर आप बीम्स को देखें तो वो कंक्रीट की बीम्स हैं, काफ़ी सॉलिड दीवार ये लग रही है जिसको कि तोड़ दिया, जिसको कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि उस वक्त जब ये विस्फोट हुआ तो वहाँ कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग घायल हैं। कम से कम 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो रही है, 1 महिला है जो कि गंभीर रूप से घायल दिखी, जिनकी भी हमने तस्वीरें देखी थोड़ी देर पहले। और ये वहाँ पर घायलों को और फिर जो मृत शव वहाँ पाए गए हैं उनको वहाँ से क्लियर करके अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ पोस्टमार्टम होगा, जांच होगी। फोरेंसिक टीम भी अब वहाँ पहुँचेगी ये देखने के लिए कि किस तरह का विस्फोटक था, क्या कोई आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसे कहा जाता है, जिसका प्रयोग किया गया है, और कौन कब इसको लेकर एंट्री करता है इसको भी अब देखना होगा। चमन एक बात बताइए, क्या वहाँ परिसर में सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जो एंट्री कर रहे हैं, क्या उनके रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि कोई तो व्यक्ति है जो कि इस बम को अंदर लेकर आया है और वहाँ वॉशरूम में रखकर गायब भी हो गया है। जी देखिए, जो कोर्ट परिसर होता है वहाँ पर अमूमन इसी जो सीसीटीवी होता है वो मौजूद होता है, तो पुलिस अब सीसीटीवी की भी जांच में जो जुट चुकी है कि कौन ये आदमी था जो कोर्ट परिसर में इस तरह के जो इतना बड़ा धमाका जो है करके चला गया है, तो इससे इस सीसीटीवी के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, और जल्दी से जल्दी वहां पर जो है सीसीटीवी की फुटेज जो है पुलिस जुटा रही है, और इस सारे पहलू की अब जांच होगी कि कहीं इस कोर्ट। जी चमन, धन्यवाद इस अपडेट के लिए, और अपडेट के लिए आपके पास जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, सीधा रुख करते हैं काशी की ओर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां के एमपी भी हैं पहुंच चुके हैं काशी। बहुत बड़ी भीड़ है जो वहां पहुंची है, ये पूरे वाराणसी से थोड़ी देर में 27 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी या काशी निवासियों के लिए, उनके हित के लिए अगला कदम, अगला पड़ाव डेवलपमेंट का, विकास का, ये जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लिए लाए हैं उस पर निरंतर कार्यरत हैं। जब अब की बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लॉन्च के लिए आए थे तब भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर पूरे काशी का दौरा किया था, देर रात समीक्षा भी ली, और वहाँ पर जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसको भी जाकर देखा। लेकिन जब वो बोट पर थे और बोट पर वो 80 घाट पूरे सारे जो 80 घाट हैं काशी के, वहाँ पर उसका पूरा निरीक्षण किया। खिड़किया घाट पर तो डेवलपमेंट हुआ है, ललिता घाट से ही कॉरिडोर की शुरुआत होती है, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट जहाँ पर जिनका सुंदरीकरण किया गया है, लेकिन कई और घाट आगे जाकर हैं जिन पर अभी भी काम बाकी है, और उस घाट के आसपास रहने वाले निवासियों के, काशीवासियों के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका आज शिलान्यास होगा या फिर उसका उद्घाटन होगा। 30 एकड़ जमीन पर दूध की डेयरी भी बनेगी, 475 करोड़ की लागत से बनेगी ये डेयरी, और ये बानस डेयरी है, बानस डेयरी गुजरात में भी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी फार्म में उसको गिना जाता है। 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बनारस, थोड़ी देर में करेंगे वहां उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित, लेकिन उससे पहले अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लुधियाना धमाके पर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी बोले कि मैं तुरंत लुधियाना जा रहा हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया है कि पंजाब पुलिस को जरूरत है कि इसकी इस मामले की तह तक पहुंचे और जल्द अज जल्द पहुंचे। लुधियाना धमाके पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि वो तुरंत ही लुधियाना जाने वाले हैं और वहाँ हुई घटना की समीक्षा स्वयं लेंगे। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिक्योर कर लिया और सारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये यही पता लगे कि बंदा जरा उ डैथ हुई है और दो बंदे इंजर्ड है जो प्रिलिमिनरी सानू पता लगे। बाकी असं सारा वेरीफाई कर रहे हैं। सारे असं हॉस्पिटल भेजता तैयार होके जो जॉइंट सीपी साहब ने आप ही भेजी है सारे। तो ये असी बॉम्ब स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल से। फोरेंसिक टीम भी असी बुलाई है चंडीगढ़ तो वो सारा आके असी ताकि अजय देखो कहना बहुत औखा है क्योंकि साइंटिफिक चीज होंगी है। सारा एग्जामीनेशन फोरेंसिक रिपोर्ट तो बाद ही किया जाऊगा। सारा असं देख रहे हैं। मैं पब्लिक में बारूद वर्गी स्मैल जी हाल भी महसूस हो रही क्योंकि मटीरियल है रिकॉर्ड रूम है उस तरह की स्मैल वो आ रही है। बस मेरी पब्लिक को यही है पैनिक वाली गल नहीं। असं सारी गलू तहकीकात करके थोड़े थ्रू ब्रीफ करते रहेंगे। ये कोर्ट कॉम्पलैक्स में आने की कोशिश ना कर पब्लिक वाले। और दूसरा ये कि जोड़ा एरिया ये असं सील करके रखा टिल की फोरेंसिक जी टीम है अपनी सारी यू चंगी तरह देख नहीं लें। सर एक सवाल खड़ा रहता कि अगर कोई बम भी है तो उपर किस तरह है क्योंकि नीचे चैकिंग होती है उसके अंदर आने की। सर मैं वही देख रहा ना की चीज़ सी कोई भी चीज़ हो सकती है। देखो कोई मैंने नहीं पता इतने अंदर कोई की इलैक्ट्रिकल अपलायंस की लगे हुए ने सारा हम मैं जायजा लूँगा तो ही तुम दस सकेंगे ना। कई बार कोई होर चीज़ का भी एक्सप्लोजन हो जाता है। कोई सुरक्षा भी सर कमी हुई हो सकती है? सुरक्षा भी कोई कमी हो सकती है जी आई हुई? नहीं भाई सर सुरक्षा की कमी कमी होगी सारे तो लगे हुए तो रोज़ एक इंस्पैक्टर लैवल का ऑफिसर एस एच ओ सी लाने सर ये मैं चैक करवा लेना हूँ। आप सब तो पहले इन गलू इनवैसटीगेट करिए पब्लिक मेरी थोड़े थ्रू रिक्वेस्ट है कि संयम रखो और असं सारे आप मौजूद हाँ मौके पर डी सी साहब भी आए हुए हैं सारे है तो फिर इस बाद ब्रीफ कर तो इस बात की पुष्टि कि एक मृत है कम से कम दो घायल हैं। ये जीएस भुल्लर जो कि लुधियाना के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने ही कहा और उन्होंने ये भी कहा कि बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत बुलाया गया है और उस जगह को सील कर दिया गया है। वहाँ पर डीसी भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि आसपास रिकॉर्ड रूम भी थे वॉशरूम भी है। और जब मीडिया ने पूछा कि जो जलने की बू आ रही है उससे बारूद की स्मेल आ रही है तो वो कुछ भी हो सकता है। वो सब जांच के बाद ही उस पर पुनः वो ब्रीफिंग करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान आया है कि वो तुरंत लुधियाना की तरफ रवाना हो रहे हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है इस करके मैं मीटिंग नू छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहा हूं। मौके ते जायजा लवांगा जिवें जिवें इलेक्शन नेड़े आ रहा है। कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतों वालों इस तरह दियां घिनौनियां हरकतां कीतियां जा रही हैं। उहदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नू भी सुचेत रहना चाहिए। ये जेड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई नहीं सफल होए हुण ये ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणा के मद्देनज़र कुछ एजेंसिया वालों कोशिश की जा रही ऐसी किसी भी दोषी नू बख्शांगे नहीं। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधा चलते हैं वापस बड़ी खबर जो लुधियाना से आ रही है उसी तरफ। यहाँ कोर्ट की तीसरी मंजिल पर धमाका हो गया। इस धमाके में एक आदमी की मृत्यु हुई है जबकि कई लोगों को के घायल होने की खबर है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ की खिड़कियाँ उड़ गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। बताया गया कि ये धमाका तीसरी मंजिल पर बाथरूम में हुआ। धमाके के
में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं धमाके की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। धमाके के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि वो खुद लुधियाना जाएंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस मामले की तह तक पहुंचे। वहां पर जीएस भुल्लर हैं जो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कई घायल हैं जिनको कि अस्पताल पहुंचाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड के भी वहां पहुंचने की बात कही उन्होंने, जहां एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह का विस्फोटक है, किस तरह का मोटस ऑपरेंडी है, ये सब जांच के बाद ही पुष्टि होगी उसकी, जिसकी बात वो करेंगे। वहीं विक्रम सिंह चड्डू हैं एक चश्मदीद जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात की है और उनकी वार्ता को हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट और पुलिस, सरकार और पुलिस को इसका दोष दिया है। कहा है कि तीसरी मंजिल पर सिक्योरिटी का अभाव है तो बॉम्ब का वहां रखा जाना काफी आसान है। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तीव्र थी, खिड़कियां टूट गईं और धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी गई है। पर उन्होंने कहा है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग मरे हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वहां पर कई लोग मौजूद थे जिन्हें ब्लास्ट ने अपनी चपेट में जरूर लिया है। वहीं सुखबीर बादल का भी बयान आया है जहां उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा को मुख्य प्रायोरिटी दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने अपनी एक मीटिंग को जल्द रद्द कर सीधा ये कहा है कि वो लुधियाना के लिए रवाना हो रहे हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग नू छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहा हैं। मौके दे जायजा लवांगा। जिवें जिवें इलैक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतों वालों इस तरह दियां घिनौनियां हरकतां कीतियां जा रही हैं। उहदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नू भी सुचेत रहना चाहिए। ये जिहड़ी जिहड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणों के मद्देनज़र कुछ एजेंसियों वालों कोशिश की जा रही ते ऐसी किसी भी दोषी नू बख्शांगे नहीं, दोषी को बख्शेंगे नहीं, ऐसा कहना है। लेकिन बेअदबी के मामले में भी अभी भी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। खासकर कपूरथला में जो घटा है उस पर तो कार्रवाई बहुत धीरे चल रही है, जबकि कई सारे साक्ष्य निकल के आए हैं। फिलहाल लुधियाना की अगर बात करें तो यहां तीसरी मंजिल के एक वॉशरूम में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। खिड़कियाँ टूट गई, दीवारें टूट गई, उस जगह को सील किया गया है। वहाँ मौका वारदात पर एक चश्मदीद हैं जिन्होंने मीडिया से बात की, आइए सुनते हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਛੱਤ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ। दूसरी मंजिल कह रहे हैं चश्मदीद, वहां खबर की पुष्टि है कि तीसरी मंजिल पर के बाथरूम में हुआ है यह धमाका। ये धमाके से पहले की तस्वीर है जहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई, भीड़ जुट गई। वहां पर काफ़ी बिजी इलाका है वो लुधियाने का, और वहां लुधियाना कोर्ट परिसर में भी बहुत भीड़ होती है। आज गुरुवार का दिन है। स्क्रीन के बाईं ओर आप देख रहे हैं कुछ घायल हैं जिनको लेके एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, और पुष्टि ये भी है कि कम से कम एक व्यक्ति की तो मृत्यु हुई है। चश्मदीद का भी यही कहना था, पुलिस कमिश्नर का भी यही कहना था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, पर और भी शायद कई लोग घायल हुए हैं। उनमें से कितने क्या कोई सीरियस हैं, घायलों में एक महिला भी है जिनकी तस्वीर थोड़ी देर पहले आई। कई लोगों के घायल होने की जानकारी यहाँ न्यूज़ 18 को मिल रही है। फिलहाल एक और बात का सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा धमाका और ये विस्फोटक वहाँ आया कैसे, किस स्वरूप में उसको वहाँ पर लाया गया है, क्या ये एक टिफिन बॉम्ब जैसा आईडी है या फिर कोई और तरीका आईडी, कोई और यंत्र जिसका प्रयोग किया गया हो, इस पर इसकी पुष्टि होनी है। बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचने वाला है, तो जिस तीव्रता से विस्फोट हुआ है, इसमें किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया, इसकी भी जानकारी अभी थोड़ी देर में
एक बार वहाँ बॉम्ब स्क्वाड पहुँच जाए, उसकी पुष्टि कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, उसके बाद वो डिटेल्स भी सामने निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये बात तो सामने आई है कि एक पावरफुल आईडी के थ्रू ब्लास्ट करवाया गया है या किया गया है। तीसरी बात, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें तो अमृतसर में कुछ महीनों पहले वहाँ टिफिन बॉम्ब का ड्रोन ड्रॉप द्वारा टिफिन बॉम्ब पहुँचाने की कोशिश, आए दिन वहाँ पर पंजाब में ड्रोन्स की फ्लाइट्स, जिससे थ्री आर्म्स, एम्यूनिशन और कैश और ड्रग्स सब कुछ यहाँ पहुँचाया जा रहा है पाकिस्तान से, बॉर्डर के उस तरफ से, ये सब इस सब को संज्ञान में लेना। और चरणजीत सिंह चन्नी, चमन पलानिया जुड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चन्नी ने भी कहा कि बेअदबी करने की कोशिश की, वहाँ विफल रहे, वहाँ से समाज में किसी तरह की एक खलल पैदा करने की कोशिश की, विफल रहे, और अब ये धमाके करवाए जा रहे हैं। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने भी मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया है, कहा है कि आप राजनीतिक जो द्वेष भाव है और पॉलिटिकल वेंडेटा जिसे कहते हैं उसको उसमें लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो आप भूल ही गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई वहां पर चश्मदीद भी दे रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। जी जी अनंत, देखिए जिस तरह से अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब सरकार को है इस मामले में भी जो है आड़े हाथों ले रही है, और जो ये बम ब्लास्ट की जो घटना है इसमें जो है वो अब राजनीतिक पार्टियां जो है इसको भी बड़ा मुद्दा जो है अब चन्नी के खिलाफ जो है चन्नी सरकार के खिलाफ जो बनाने जा रही है, क्योंकि जो जिस तरह से पंजाब में बीते दिनों की जो घटना है वो लगातार जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है, और पंजाब में बीते दिन जिस तरह से बेअदबी की घटना होती है और कपूरथला में जिस तरह से जो है एक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसको पीट पीट कर जो है एक आदमी की मृत्यु होती है, और उसके बाद जो है पंजाब में जो जब से जो सरकार जो पंजाब की नई सरकार बनी है उसके बाद जो है पंजाब के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है, और अब जो इस मामले को भी जो लुधियाना का जो ये बम ब्लास्ट का मामला है इसको भी कहीं ना कहीं अभी इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि कहीं ये जो जो बॉर्डर पार से जो जो इंटरनेशनल बॉर्डर पार से जो जिस तरह से भारत में जो लगातार जो हथियारों की सप्लाई की जा रही थी या आरडीएक्स की सप्लाई की जा रही थी तो कहीं ना कहीं वही कहीं उसी का जो जो आरडीएक्स है वो यूज ना किया गया हो इस धमाके में, और फिलहाल जो है ये इसमें ये नई जानकारी आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री खुद लुधियाना के लिए जा रहे हैं कुछ ही देर में चंडीगढ़। दो दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर निगरानी रखें, अब तो हर जगह निगरानी रखने वाली बात हो गई है। चमन, पवन शर्मा की खबर हमारे स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रही है, जहां पर कई सारे इलाके हैं जहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, घायलों को तो अस्पताल ले गए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं पूरे पंजाब में जहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए की टीम भी अब लुधियाना के लिए रवाना हुई है। जिस तरीके का ये धमाका हुआ है ये कहीं ना कहीं प्लान्ड है, और जो लोग यहाँ पर पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो हर तरीके का हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। चमन, यहाँ पर किस तरह का सिक्योरिटी बंदोबस्त था लुधियाना के कोर्ट परिसर में, क्या सिक्योरिटी में ढिलाई थी, ये सवाल पुलिस कमिश्नर से भी पूछा गया था। कि जिस तरह से पुलिस की ढिलाई की वजह से ही जो है इस तरह की घटना का जो है सामने आया, क्योंकि अगर पुलिस की सख्ती यहाँ पर होती तो इतने बड़ी घटना का अंजाम नहीं होता। तो अब जो लुधियाना के कोर्ट परिसर की जो अभी जो ताजा जानकारी मिली है, दूसरी मंजिल पे ये धमाका हुआ था, और इसमें जो एक बंदे जो एक धमाके में जो अभी तक जो पुलिस की जानकारी है पुख्ता, उसमें एक मृत्यु हुई है और दो घायल है, और जो यहाँ फोरेंसिक टीम जो है वो उसको बुलाया गया है, और फिलहाल जो एनआईए की जो टीम है वो भी चंडीगढ़ से रवाना हो गई है इस सारी जांच के लिए। तो अब कहीं ना कहीं एनआईए भी इस सारी और फोरेंसिक की जो टीम है वो अब इस सारे मामले में जांच करेगी कि किस तरह का आरडीएक्स या कोई और किस तरह का जो इस ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था इस घटना के लिए, क्योंकि जिस तरह की ये ब्लास्ट हुआ है उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंक्रीट की जो एक जो दीवार थी कोर्ट की वो पूरी जंजर हो जाती है, क्योंकि अगर अगर ये छोटा मोटा धमाका होता तो अगर कंक्रीट की जो दीवार थी वो इस तरह के उससे छितड़े नहीं उड़ते, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो धमाका था जिससे कि एक कोर्ट की दीवार जो जो एक कंक्रीट की मजबूत दीवार थी उसको उसके भी परगच्छे जो है उड़ गए हैं, और अब पुलिस इस सारे मामले में देख रही है कि कितना इसमें जो है आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है या कोई और अन्य विस्फोट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब तक एनआईए की टीम और जो फोरेंसिक टीम जो वहां पहुंचेगी वो जांच नहीं करती, वो तब तक ये जांच का विषय है कि किस तरह का इसमें जो है
है जो जो, जो विस्फोटक है जो यूज किया गया है। जी जी, और भीड़ वाली जगह में हाई अलर्ट पंजाब में कई इलाकों में ऑलरेडी था। पवन शर्मा की खबर है कि गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट जैसे इलाकों में ऑलरेडी ये हाई अलर्ट जारी किया गया था और कई और जगह लोगों को कहा गया था कि सतर्क रहें, लेकिन लुधियाना के कोर्ट परिसर में इस तरीके का धमाका होना, ये इसीलिए वहां पर आप देख रहे हैं इतनी भीड़ जम गई है और अफरा तफरी का माहौल है। जी एस भुल्लर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर हैं, वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर के बाथरूम है, उसे कॉमन बाथरूम है, नाल रिकॉर्ड रूम हैगा जो पब्लिक वास्ते है। उसे ब्लास्ट टाइप आवाज़ आई सानू, असं सारा सीन जरा सिक्योर कर लिया और सारी वेरीफिकेशन कर रहे हैं। ये यही पता लगे कि एक बंदा जरा उ जी डैथ हुई है और दो बंदे इंजर्ड है, जो प्रिलिमिनरी सानू पता लगे, बाकी असं सारा वेरीफाई कर रहे हैं। सारे नूं असीं हॉस्पिटल भेजता, दे आर ओके, जो जॉइंट सीपी साहब ने आप ही भेजी है सारे। तो ये असी बॉम्ब स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल, तो फोरेंसिक टीम भी असी बुलाई है चंडीगढ़ तो। एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल और पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बाद बुलाई गई है ये बैठक। एनआईए की एक टीम भी अब लुधियाना रवाना हो चुकी है। पंजाब के गृह मंत्री ने बैठक बुलाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति वहां पहुंचा कैसे और क्या सीसीटीवी वहां पर है, मौजूद है, जो कि शिनाख्त कर सके कि कौन, कहां, कैसे, क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति था, कोई मूवमेंट थी जिसको कि आइडेंटिफाई किया जाएगा। तीसरी मंजिल के कॉमन बाथरूम में हुआ है ये धमाका, इतनी जोर का धमाका है जैसे कि चमन पलानिया बता रहे थे, एक पूरी की पूरी दीवार जो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं और फेंका गई है कम से कम 5 से 8 फुट। तो आप बॉम्ब की इंटेंसिटी समझ सकते हैं। चश्मदीद का कहना है कि कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक ये ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। अब गृह मंत्री हाई लेवल बैठक बुला रहे हैं, पंजाब के गृह मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री लुधियाना जा रहे हैं, एनआईए की टीम लुधियाना की तरफ जा रही है, लेकिन इस तरीके का ये विस्फोटक अंदर लेकर कौन आया है, कितने बजे आया, क्या इस पर इसकी जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज को क्या इमीडिएटली उसको सीज कर उसको देखा जा रहा है। संतोख इंदर सिंह वरिष्ठ लुधियाना में वकील है, हमारे साथ हैं। संतोख सिंह जी नमस्ते, क्या आप वहां कोर्ट में मौजूद थे जब ये धमाका हुआ? नहीं, हम मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूं जी, आई एम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ जी। तो हमने न्यूज पे ही हमें सुना, द टाइम वी गॉट द न्यूज वी इमीडिएटली कॉल द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड कंडेम दिस इंसिडेंट एंड आई हैव टॉक टू द डीजीपी आल्सो कंसर्निंग दी सिक्योरिटी ऑफ दी लीगल फ्रेटर्निटी जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी वहाँ लुधियाना कोर्ट में जो मौजूद थे बार एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं, उनसे क्या आपकी बात हुई है, वहाँ हुआ क्या है? हाँ जी, उनसे बात हुई है। ये जो धमाका हुआ है ये कोर्ट प्रेमिसेस में हुआ है और कोर्ट के साथ, कोर्ट रूम के साथ जो बाथरूम थे वहां पे ये धमाका हुआ है। तो कंपाउंड में जो व्यक्ति वहां पे एडवोकेट्स और जो लिटिगेंट्स वहां पे मौजूद थे वो इंजर्ड हुए हैं और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 जनों की वहां पे डेथ हुई है और काफी 7-8 बंदे वहां पे इंजर्ड हैं जी अभी, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है जी। संतोख इंदर सिंह जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो बार एसोसिएशन ने भी इसको संज्ञान में लिया है क्योंकि कोर्ट के परिसर के अंदर ये धमाका हुआ है। चमन पलानिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, अभी वहां पर परिस्थिति क्या है, क्या जो कोर्ट का जो पूरा एरिया है उस पूरे फ्लोर को सील कर दिया गया है, क्या लोगों को वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि जहां ब्लास्ट हुआ है उस एरिया को तो उन्होंने सील किया है। अभी फिलहाल जो है पुलिस ने वहां से जितने भी लोग थे उनको, बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और पूरी बिल्डिंग में जो है जांच चल रही है और पूरे जो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे उसका सेकंड फ्लोर हो, चाहे उसका जो टॉप फ्लोर हो, क्योंकि सारी जगह पे पुलिस अब जांच करेगी कहीं जो इस तरह की जो घटना थी और कुछ ऐसा इस बिल्डिंग में ना मिले, क्योंकि इतना बड़ा बम धमाके के बाद जो है पूरी बिल्डिंग की जो इमारत है वो जो वहां पर जो वो जर्जर हो चुकी है और पुलिस सारे पहलू से अब जांच कर रही है कि कौन इस कोर्ट परिसर की जो सीसीटीवी है उसको भी खंगाला जा रहा है कि कौन कितने बजे इस बिल्डिंग में आया और क्या या पहले ही एक दिन पहले ही कोई ना आया हो, क्योंकि जिस तरह की बाथरूम के अंदर जो है, पब्लिक बाथरूम के अंदर जो है ये धमाका हुआ है तो कहीं कहीं ना कहीं पिछली रात ही ना कहीं रात को कोई इस तरह की अंजाम जो है इस घटना को दे चुका हो, उसके बाद सुबह उसके बाद जो है इस तरह का जो ब्लास्ट होना, क्योंकि छोटी अगर कोई अगर छोटा एक्सपोजर अगर बम ब्लास्ट होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो ये
इतना बड़ा जो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंचा, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस तरह की इस ब्लास्ट में जो मंशा थी करने की वो बहुत बड़ी मंशा थी, और उसी को लेकर जो है अब पंजाब पुलिस और NIA और जो फोरेंसिक टीम है वो वहां पर पहुंच रही है और इस सारे मामले की जांच करेगी और वो देखेगी कि कितना बड़ा जो है इसमें एक्सपोजर जो है जो जो यूज किया गया है और कौन सा इसमें बम ब्लास्ट में जो है वो तकनीक यहाँ पर जो है यूज हुई है। तो अब पंजाब पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर जो जांच में जो है जुट चुकी हैं और पूरे इलाके को जो है फिलहाल जो है खाली करवा दिया गया है। चमन, सवाल ये भी अहम है कि पहले से ही केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियां ने अलर्ट किया था, लेकिन अलर्टनेस के बावजूद क्या हम इसे लापरवाही के तौर पर नहीं देखें? ओके चमन जी, देखिए सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही जो अगर हम बात करें IB की, तो IB ने जो जो है वो कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार को एक अलर्ट भेजा था जिसमें कहा गया था कि पंजाब में जितने भी धार्मिक एरिए हैं या कुछ और अन्य स्थान हैं, भीड़ भाड़ इलाके हैं, वहां पर जो है वो निगरानी करें, और क्योंकि कुछ पंजाब में बड़ी साजिश होने का अंदेशा है। तो उसी का अगर IB को पहले ही अलर्ट था और उसी को लेकर IB ने पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा था, तो अब उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पंजाब में पिछले दिनों अमृतसर में BSB की घटना होती है, उसके बाद कपूरथला में घटना होती है, तो और उससे पहले अगर हम बात करें 10 से 15 दिन की बात, अगर पिछले महीने की बात करें तो नवंबर के महीने में पंजाब में जो है काफी जो है वो एक्सपोजर जो है वो बॉर्डर के एरिया में पकड़े थे और टिफन बॉक्स पकड़े थे, रेलवे स्टेशन से पकड़े थे, कुछ हैंड ग्रेनेड मिले थे और कुछ पिस्टल मिले थी और कुछ RDX भी कई जगह पर जो है वो मिलने के जो पंजाब पुलिस